तो सोनीपत से ही एक और बड़ी खबर, सरकारी स्कूल में टीचर्स की कमी का मामला। गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। बड़ी खबर इस वक्त की, स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। टीचर्स की कमी को लेकर कई बार चेतावनी दे चुके हैं ग्रामीण। टीचर्स की कमी से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की सोनीपत से ही, स्कूल में 500 बच्चों पर सिर्फ 5 टीचर्स हैं। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी स्कूल में टीचर्स की कमी का मामला। गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। संवाददाता लाजपत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाजपत, विस्तार से बताएं, स्कूल के बाहर धरने पर ग्रामीण बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ये गांव अटेरना जो राई विधानसभा क्षेत्र जिला सोनीपत में पड़ता है, और बात करें तो यहां पर लगातार जो शिक्षा का पतन होता हुआ नजर आया। यहां पर बात करें तो ग्रामीणों ने लगातार प्रयास किया कि यहां पर जो स्कूल टीचर हैं उनकी कमी को लेकर सरकार को बार बार इन्होंने जताते हुए जो आज इन्होंने स्कूल को ताला लगा दिया है, क्योंकि आज पहला दिन है, जो पेपर भी है बच्चों का। तो ये कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों की एक पहल अच्छी रही कि बच्चों को अंदर भेज दिया और उनके पेपर चल रहे हैं, लेकिन बाहर से अब ताला लगा दिया है और ग्रामीणों ने कह दिया है कि बच्चों को भी अब जब पेपर होगा इतने ये बाहर गेट पर बैठे रहेंगे। जो शिक्षा का जो पतन होता हुआ नजर आ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उन्होंने इकट्ठा होकर स्कूल को ताला लगा दिया है, जो कि तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात करें तो ये जो आसपास के गांव हैं इनको अब इकट्ठा किया जाएगा। कह रहे हैं कि करीब जो ये खादर बेल्ट बोला जाता है इसको, खादर बेल्ट में करीब 25 गांव पड़ते हैं, 25 गांव के व्यक्ति यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। बड़ा आंदोलन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षित हैं, जो टीचर हैं, उनकी कमी देखने को मिल रही है। तो बच्चों की जो शिक्षा है वो 3 महीने से बाधित हुई है। तो ये जो ग्रामीण है उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पर जो 3 महीने की जो बच्चों की पढ़ाई जो बाधित हुई है, आज पेपर है तो बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल ये निशान खड़े होते हैं कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आचार संहिता जरूर लग चुकी है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को काम करना चाहिए। सरकारी कर्मचारी अगर बच्चों को शिक्षा ना दे पाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी चलिए लाजपत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।